I welcome all of you to learn karo class 11th and 12th. क्या हाल है सभी के? I hope आप सभी लोग बड़े मस्ती में हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स की. नेशनल इनकम का पार्ट 8 बल्ले बल्ले आज खत्म कर देंगे. अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको याद होगा हमने 7 पार्ट्स बहुत ही प्यार से, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट करे हैं. पार्ट 8 भगाएंगे नहीं. ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है बट मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है. आपको बहुत मजा आएगा. हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है. एक बार देख लेते हैं, सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर दो, फिर हम सेशन स्टार्ट कर रहे होंगे. सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर देना, फिर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. आज पार्ट 8 है एंड आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू फिनिश दिस पार्ट बिकॉज़ नेशनल इनकम हमने बहुत तसल्ली से किया है यार. नेशनल इनकम ही नहीं, हमने BOP गवर्नमेंट बजट, फिर आपका मनी एंड बैंकिंग, ये तीन बहुत प्यार से 4 से 5 पार्ट लेके करे हैं. इसमें भी 8 पार्ट्स लेके करें ताकि आपको मजा आए पढ़ने में. ये नहीं कि भैया एक वीडियो ली 10 मिनट की खत्म सेशन, 1/4 चैप्टर खत्म, हाफ चैप्टर खत्म. नहीं, हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को आपको, जैसे कि पता है अगर आपने अभी तक ये नोट्स डाउनलोड नहीं करें तो प्लीज जाके करो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप हमारी एप्लीकेशन है, वहां जाके आपको कुछ नहीं करना, इन नोट्स को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है. इस पूरे चैप्टर को मैं हमेशा समझाता हूँ क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है. कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट ऑफ क्लास 12 हमें पहली बार सुन रहा हो तो उसको बताना पड़ता है. इस पूरे के पूरे चैप्टर को भी डिवाइडेड इनटू 4 सब पार्ट्स या 4 सब टॉपिक्स तुम उसको बोल सकते हो. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका रियल GDP, नॉर्मल GDP उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम. रियल GDP, फिर क्या फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, डेफिनेशन बेसिकली हमने पढ़ी थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में. फिर हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में क्या पढ़ना शुरू किया, हमने भैया पढ़ना शुरू किया न्यूमेरिकल्स, NDP MP क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं. फाइनली जो लास्ट क्लास हुई थी और हमने ये 4 सब टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया है. 4 सब टॉपिक का ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर बचा है. हाफ चैप्टर में आपके 2 मेजर सवाल आने वाले हैं आपके पास. सर रियल GDP क्या होता है, नॉमिनल GDP क्या होता है. अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो पार्ट 7 में हमने क्या किया था, नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है और रियल नेशनल इनकम क्या होती है, या नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस क्या होती है, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस क्या होती है. ये पूरा का पूरा डिफरेंस हमने पिछले पार्ट में किया था. आज हम रियल GDP, नॉमिनल GDP, एक क्वेश्चन, एक और दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने रेफरेंस कुछ दिया था पिछले वाले टॉपिक में, तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. बिना किसी देरी के सेशन को लाइक कर दो, आपको मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है. और अगर चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि यहाँ पे A to Z क्लास 11 का इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज खत्म किया जा रहा है, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज खत्म किया जा रहा है. क्लास 12 वालों के लिए हमने ह्यूमैनिटीज की क्लासेस भी चलाई हुई हैं. यहाँ पे यार प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. विदाउट एनी फर्दर ड्यू, अब हमने 1, 2, 3 तो कर लिए, आज हम करने वाले हैं भैया बताओ क्या, वी आर गोइंग टू डू दिस 4th. इसका हमने 50% पार्ट कर लिया था, आज 50% रिमेनिंग 50% करने वाले हैं. 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. शैल वी बिगिन, स्टार्ट कर सकते हैं हम? यस, हम स्टार्ट बिल्कुल कर सकते हैं. हमारा कर्सर कहाँ है, ये रहा जी. व्हाट इज GDP, रियल GDP, नॉमिनल GDP, मैं गारंटी बता रहा हूं इससे इंपॉर्टेंट सवाल कुछ नहीं है अभी तक. इससे इंपॉर्टेंट सवाल कुछ नहीं है. रियल GDP क्या है, नॉमिनल GDP क्या है, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप पार्ट 8 डायरेक्टली देख रहे हो ना तो एक बार प्लीज पार्ट 7 देख के आना. उसमें हमने बता रखा है नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस. पहली बात तो करंट वर्सेस कॉन्स्टेंट का पूरा मीनिंग समझो, एक बार मीनिंग समझे, एक बार जो भी लोग सुन रहे हैं एक बार देख लो उनको. ये लाइव क्लास चल रही है यार, अगर कोई इसको रिप्ले में देख रहा है तो थोड़ी सी बात करेंगे हम बच्चों से, बट कोई बात नहीं, आप इसको 1x स्पीड, 2x स्पीड में भी देख सकते हो, सही रहेगा, आपको समझ आ जाएगा. करंट प्राइसेस को हम बोलते हैं मार्केट प्राइसेस. ये हमने पिछले, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है. करंट प्राइसेस को हम बोलते हैं मार्केट प्राइसेस, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है. अब हर कंट्री का एक बेस ईयर होता है. चलो तुम्हारे सामने हमने एक गेस्टिमेट लगाया था पिछले सेशन में कि इंडिया का बेस ईयर क्या है. इंडिया का बेस ईयर है 2011. अभी मैं बेस ईयर का कॉन्सेप्ट समझाता हूं. एक बार इस चीज को यहां पे वेरीफाई कर लेते हैं कि भैया बेस ईयर क्या है इंडिया का. एक बार बेस ईयर फॉर GDP इन इंडिया, बेस ईयर फॉर GDP इन इंडिया है, ऑल राइट, बेस ईयर है, स्टेट हैज, ठीक है. अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखा रहा है कि 2020 एट द GDP बेस ईयर, ठीक है.
अभी हमारा पिछला बेस ईयर है 2011-2012 बेस ईयर है, 2011-12 बेस ईयर है, जो 2011-12 हमेशा जब भी हम सेशन लेते हैं ना तो ऐसे अकाउंटिंग ईयर का सेशन लेते हैं कि 2011-12 में हमने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, बोलते हैं ना When are you what year did you pass out in? I passed out in 2015. इसका मतलब ये नहीं है आपने क्लास 12 2015 से स्टार्ट करी, आपने 2014 से क्लास 12 पढ़ना स्टार्ट कर दी थी. तो जो आपका स्कूल का सेशन होता है वैसे ही हम बोल सकते हैं 2011-12 was the base year. 2011-12 was the base year का सेशन बोलो या बेस ईयर बोलना बाद एक बात है. तो कॉन्स्टेंट करंट प्राइस मार्केट प्राइस कॉन्स्टेंट प्राइस है 2011-12 मतलब 2011-12 का प्राइस लिख लो, जो 2011-12 में प्राइस चल रहे होंगे उसको हम बेस प्राइस बोलते हैं. अब ये हर 10 साल बाद रिवाइज होने वाला है. अब क्या आएगा हमारा 2000 अब क्या रिवाइज होने वाला है हमारा नया बेस ईयर क्या आने वाला है 2020-21. अभी जो मैं न्यूज पढ़ रहा था तुम्हारे सामने उसमें कुछ ऐसा सा ही लिख रखा था, पूरी न्यूज तो नहीं पढ़ी बट ऐसे हम मान के चल रहे हैं. अब गवर्नमेंट कहती है यार ये बेस ईयर कब तक लेके चलेंगे, इसको रिवाइज करते रहती है हर 10 साल में. तो नेक्स्ट बेस ईयर होगा 2022-2021. ये बात तुम्हें समझ आ गई बेस ईयर क्या है. अरे अगर तुम्हें मेजर करना है, याद रखना मेरी बात, अगर तुम्हें 2011 से लेकर 2021 तक कुछ मेजर करना है और हमारा ये बेस ईयर मान लिया, बेस ईयर का मतलब ये है जो भी तुम जीडीपी कैलकुलेशन 2021 में कर रहे हो उसको तुम करंट मार्केट प्राइसेस पे तो कर सकते हो, मैंने मान लिया तुम्हारी बात, बट करंट मार्केट प्राइसेस पे करने का थोड़ा नुकसान इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ रहा है. मैं कहता हूं आज ये मोबाइल 10,000 रुपए का है, क्या ये मोबाइल एक साल बाद 10,000 रुपए का रहेगा? नहीं, ये मोबाइल एक साल बाद क्या पता 11,000 का रह जाए. 11 मतलब मैं ब्रांड न्यू मोबाइल की बता रहा हूँ, सेकंड हैंड मोबाइल की बात नहीं कर रहा, ये सेम मॉडल न्यू मॉडल अगर मैं लूं नेक्स्ट ईयर क्या पता 11,000 का हो जाए. तो ये 1000 क्या है, इतना प्राइस हाइक होता नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये 1000 क्या है, दिस इज इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ अ कॉमोडिटी. इसको हम बोलते हैं दूसरे टर्म में जनरल इन्फ्लेशन लेवल, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है. इंडिया का नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट 5-7% चलता है. तो अगर हम गिन रहे हैं कि 2021 का जीडीपी क्या है और कंपेयर कर रहे हैं 2011 के जीडीपी से, तो कंपेयर कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि 2011 में भैया मार्केट प्राइसेस कुछ और थे, 2021 में मार्केट प्राइस कुछ और है. हाँ अगर दोनों को कंपेयर करना है ना, दोनों की फॉर एग्जांपल एक कंट्री की तुम ईयर वाइज जीडीपी कंपेयर कर रहे हो तो कभी भी मार्केट प्राइस पे मत किया करो क्योंकि मार्केट प्राइस में तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी लगा हुआ है. ये तो लाजमी बात है कि 2021 में क्या होगा, हमेशा जीडीपी की वैल्यू ज्यादा आएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. हमने पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, तुम्हें लॉजिक समझाना ज्यादा जरूरी है, पर 2011 को अगर तुम्हें 2021 से कंपेयर करना है या 2011 को 2019 से कंपेयर करना है, 2011 को 2017 से कंपेयर करना है, हम हमेशा मार्केट प्राइस पे नहीं करेंगे. कर सकते हैं एक मेजर जरूर है बट हम करेंगे एक बेस ईयर के प्राइस पे जिसमें हमारा एक पर्टिकुलर हम बेस ईयर मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या रिकमेंड कर रहा है. अब अगर तुम्हें 2021 के जीडीपी 2011 के जीडीपी से कनेक्ट करना है ना या मैच करना है कि भैया हमारी इंप्रूवमेंट हुई भी है नहीं हुई है, तो इस केस में तुम्हें कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यू करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज. तब रियलिटी में पता लगेगा क्या क्वांटिटी बढ़ी. तुम्हें ये तो मैंने समझा दिया बहुत ज्यादा लॉजिक, अब ऐसा हो सकता है तुम लॉजिक में गुम हो गए हो, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो शायद तुम्हें बेटर समझ आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ. पहली बात तो जीडीपी क्या है, इट रेफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ईदर बाय रेजिडेंट, या तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो, और बाय नॉन रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर. ड्यूरिंग अ पीरियड मतलब ये हमारा क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, जल्दी बताओ. फ्लो कॉन्सेप्ट है यार, इकोनॉमिक्स में एक फंडा है. इकोनॉमिक्स में आप कोई भी डेफिनेशन लिख के आते हो ना, वो तो या तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है या फ्लो कॉन्सेप्ट होती है, क्योंकि हम बताते हैं कि मेजर कब कर रहे हैं. पहली बात तो इकोनॉमिक्स में मोस्टली चीजें हमारी मनी में मेजर हो रही होती है. नेशनल इनकम का पूरा टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड है कि हम वी आर कैलकुलेटिंग वी आर मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ आर कंट्री. तो इस केस में जीडीपी की क्या डेफिनेशन है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय हूम, बाय द रेजिडेंट्स ब्रैकेट में इंडियन कंपनीज और नॉन रेजिडेंट्स. हाँ वो नॉन रेजिडेंट मतलब बॉर्न यहीं पे हुए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका यहीं पे लाया करता है, बट फॉर द टाइमिंग किसी और देश में रह रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है जी, ये बात हमने समझ ली. अब हम जीडीपी को दो बेस में कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जितना मैंने प्रैक्टिकल तुम्हें बताया उतना ही तुम्हें समझ आएगा थ्योरी में. जो अगर प्रैक्टिकल तुम्हें पहले बता देना बंदा उसकी बात हमेशा ध्यान से सुना करो. ये सब तुम पढ़ लेंगे यार, ये तो बुक्स में भी दे रखा है, किताबों में भी दे रखा है,
तुम YouTube पे खोल लो 100 वीडियोस मिल जाएंगे नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। पर पहले वही मैं कह रहा हूं, पहले प्रैक्टिकल सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुना करो, ये नहीं कि बस पढ़ना शुरू कर दिया, अरे पीछे नोट्स खुले बस पढ़ना शुरू कर दिया, सुना करो। नॉमिनल जीडीपी हमेशा हम बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जैसे कि मैंने बताया करंट प्राइसेस मार्केट प्राइसेस, एंड रियल जीडीपी जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। जो कॉन्स्टेंट प्राइसेस मतलब हम बेस ईयर का प्राइस देने वाले हैं, हमारा बेस ईयर अभी हम हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं, क्या है 2011, और मोस्टली 2011 का ही प्राइस देते हैं बेस ईयर में, ठीक है। आप बोलोगे 2011 से पहले कौन से बेस ईयर के प्राइस देते थे, तो यार 2011 से पहले बेस ईयर का प्राइस क्या लेते थे वो गवर्नमेंट डिसाइड करते कि बेस ईयर किसको मानने वाले हैं, ठीक है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या है, अरे ये वही है व्हेन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइसेस इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। अरे कुछ नहीं, बस नॉमिनल जीडीपी हमें पता लग गया जीडीपी एट करंट प्राइसेस है, बस उसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया बड़ा चढ़ा के, द वैल्यू ऑफ द फाइनल द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन मेजर्ड एट व्हाट, व्हेन मेजर्ड एट करंट प्राइसेस, इसको लिख दिया हमने नॉमिनल जीडीपी। सिमिलरली रियल जीडीपी क्या है, व्हेन द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड measured at what, measured at a constant price or the base year price, dekho likha hoga in a year are valued at base year prices likhna bahut zyada important hai, isko please pad lena tum, base year prices ye word bahut zyada bhul sakte ho tum, base year prices, theek hai ji, base year prices ho gaye, it is called real gdp, nominal gdp, real gdp hame samajh aa gaya, ab isko learn kaise kare, real gdp real growth ho rahi hai nahi ho rahi hai kisse pata lagega, base year se। अब अगर तुम मेरी बात समझ गए तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा बेटर टूल कौन सा है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें बेटर समझ पाएंगे कि एक साल से दूसरे साल में हमारा जीडीपी रियलिटी में ग्रो हुआ है या सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हमारी गुड्स की वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो रियल जीडीपी मतलब बेटर ग्रोथ, रियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, बेटर टूल है हमारा मेजरमेंट का। नॉमिनल को तुम अब एक रियल है तो दूसरा तो नॉमिनल होगा ही, राइट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉमिनल की बात कर रहा है, इट इज अफेक्टेड बाय बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस, बाय प्राइस और द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और बाय बोथ। सर इस केस में प्राइस भी मैटर करता है, वॉल्यूम भी करता है और दोनों भी कर सकते हैं। नॉमिनल में प्राइस क्वांटिटी, अभी इसका एग्जांपल लेंगे प्रैक्टिकल तुम्हें समझ आएगा, प्राइस भी मैटर करता है, क्वांटिटी भी मैटर करती है और यह दोनों भी मैटर कर सकते हैं, बट इस केस में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी मैटर करती है। रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है, नॉमिनल में प्राइस और क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं, राइट। अब बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वरना इसको तो आप डाउनलोड, नोट्स को डाउनलोड कर लेना याद से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज एक बार ले लो, ठीक है जी। ऑलराइट, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी गारंटीड मैं बता रहा हूँ, आपके बोर्ड्स में आने के बहुत बहुत चांसेस है, इसके ऊपर एप्लीकेशन क्वेश्चन भी आ सकता है, एप्लीकेशन क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना। मीनिंग हमने पढ़ लिया है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये करंट प्राइसेज है और ये बेस प्राइसेज है, ठीक है। Comparison, देखो it is not compared, it cannot be compared with the base year. It cannot be compared with the base year, मतलब तुम ये बोल सकते हो अगर तुम्हें nominal GDP 2010, 2011, 2012, 2013, अगर तुम nominal GDP calculate कर रहे हो इन चार सालों का, तो तुम आपस में compare करके ये बता नहीं सकते कि किस year हमारी GDP growth better हुई है। तो in short, it cannot be comparable with one year to another year, it cannot be comparable, the gdp of respective years cannot be compared, isme comparison wale mein ye point likhoge, the gdp of different years cannot be compared, similarly yes it can be compared, it can be compared with the help of the base price, gdp of different years can be compared, comparison mein ye ho gaya। economic growth ka indicator kaun sa better hai, इट इज नॉट अ रिलायबल इंडेक्स, ये रिलायबल इंडेक्स नहीं है, नॉमिनल रिलायबल इंडेक्स नहीं है, क्योंकि वो प्राइस और क्वांटिटी को दोनों को साथ में लेता है। इसका एग्जांपल दूंगा समझ आ जाएगा, रियल जीडीपी यस इट इज अ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। अब कॉजेज ऑफ चेंज, इसके कॉजेज ऑफ चेंज हमने पढ़े थे, प्राइस और क्वांटिटी बोथ है, या आउटपुट बोल सकते हो या क्वांटिटी बोल सकते हो, प्राइस और आउटपुट बोथ है। सिमिलरली इसका है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे। घबराना मत, हमारा मोटिव यहाँ पे सिर्फ समझना है, मेरे से कोई भूल चुक होगी आई एम रियली सॉरी, मैं पहली सॉरी मांग लेता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आया तो छोड़ना मत, लगे रहना,
कोई चीज तुम्हें पेन पहुंचा रही है ना उस पर लगे रहो, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगी, कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो जाएगी। और अगर ये समझ आ गया तो तुम अपने दोस्तों को समझाना, पागल हो जाएंगे यार इतना डिटेल में तेरे को कैसे बताया, बता देना भाई हम यहाँ से पढ़ के आए हैं, बता देना तुम्हारे ट्यूशन टीचर से अच्छे भी पढ़ा रहे हैं बच्चा यूट्यूब पे, मजाक कर रहा हूँ, ये ऐसी कोई ग्रज वाली बात नहीं है, जहां पढ़ना पढ़ो, बट ये मैं मेरी तरफ से बेस्ट समझा रहा हूँ तुम्हें। सर ये है हमारा बेस ईयर, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ बीएस, ये 2020 के प्राइस है, ये 2021। अब लेट्स से हम एक करंट, एक हमने 2021 में बेस ईयर का प्राइस लिया और हम मान के चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन ईयर्स में, सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में, हमारे घर मतलब हमारे देश में सिर्फ बॉटल्स प्रोड्यूस होती हैं। तो बेस ईयर का प्राइस बॉटल का कितना है, ₹20 की एक बॉटल, वाटर बॉटल, ये वाली बॉटल, अभी आई गए तो एक बार पानी पी लेते हैं, वाटर बॉटल प्रोड्यूस होती है हमारे देश में, सर वाटर बॉटल ही प्रोड्यूस होती है, तो ऑब्वियसली हमारा जीडीपी किससे कैलकुलेट होगा, जब हम मनी वैल्यू ऑफ ऑल द बॉटल्स प्रोड्यूस इन द कंट्री निकाल लेंगे। हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मान लिया कि हमारे कंट्री में सिर्फ बॉटल प्रोड्यूस होती है। अब बेस ईयर प्राइस ये है और हम गिन रहे हैं रियल, हम गिन रहे हैं रियल जीडीपी, तो ठीक है बेस प्राइस ये है, तो बेस प्राइस तो ये है, तो 2021 में भी बेस प्राइस ये लेंगे, 2020 में भी, 21 में भी बेस प्राइस ये लेंगे। हमने बोला ना हम हमेशा रियल जीडीपी निकालते हैं वर्थ, हम हमेशा रियल जीडीपी निकालते वक्त बेस ईयर का प्राइस देते हैं हर ईयर में, तो बेस ईयर का प्राइस 20 था, 20 20। अब इसमें हम मान लेते हैं कि क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई, अभी हमने निकाला नहीं है, अभी तो हम हल्के हल्के चल रहे हैं, ये है हुआ बेस प्राइस, ये हुआ बेस प्राइस, ये तो है बेस प्राइस कि 2011 में जो था, हम मान लेते हैं यही हमारा बेस प्राइस है, बता दिया हमने, बेस ईयर है बेसिकली, ये है बेस ईयर, और क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी, इसको पूरे के पूरे को आपको नोट करना है, जल्दी करो, क्वांटिटी हमने यहां प्रोड्यूस करी 10, यहां भी प्रोड्यूस करी 10 और यहां पे प्रोड्यूस करी 20। तो अगर मैं बोलूं इसको, मैं बेस ईयर के प्राइस को बोल देता हूं P0, क्वांटिटी को बोल देता हूं Q1, P0 into Q1 अगर करेंगे तो हम मान सकते हैं, डिफरेंट मान सकते हैं कि भैया रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी यहां पे 2 है, यहां भी 2 है, 200 है और यहां पे है 400। तो क्या तुम बोल सकते हो कि 2011 और 2020 में जीडीपी में कोई अंतर ही नहीं आया, हम जीडीपी के टर्म्स में, हमारी कंट्री जीडीपी के टर्म्स में ग्रो ही नहीं करी, क्या ये बोल सकते हो? पर 2021 में हाँ हमारी जीडीपी ग्रो कर गई, 400 टोटल जीडीपी की वैल्यू कितनी है, 400 रुपीज, और यहां पे ये सारा रुपीज आना चाहिए, ये रुपीज है, ये रुपीज, सिमिलरली ये भी रुपीज, ये भी रुपीज, 2011-2020 में कोई अंतर नहीं है, 2021 में तो हाँ बढ़ गया हमारा जीडीपी, बिल्कुल सही है। अब मान लो अब हम लेते हैं करंट ईयर के प्राइसेस, यहां तक तो हम ले रहे थे बेस ईयर प्राइसेस, अब हम मानते हैं करंट ईयर प्राइसेस को मैं बोल देता हूं P1, करंट ईयर प्राइसेस को मैं बोल देता हूं P1, एब्सोल्युटली करंट ईयर प्राइस को मैं बोल देता हूं P1, भैया 2011 में करंट प्राइस यही तो है, तो यस 2011 में करंट प्राइस ये है, 2020 में इन्फ्लेशन लगने के कारण करंट प्राइस हो गया 25, 2021 में इन्फ्लेशन लगने के कारण करंट प्राइस हो गया 26। अब याद रखना रियल जीडीपी के हिसाब से 2011 और 2020 में जो जीडीपी की ग्रोथ है ये जीरो है, जीडीपी की ग्रोथ कुछ नहीं है, पहले भी टोटल जीडीपी 200 था, अब भी 2020 में भी टोटल जीडीपी कितना है 200, पर सर करंट प्राइसेस में तो इतना डिफरेंस आ गया, हमारी क्वांटिटी ये है, प्राइस ये है, तो तुम बोल सकते हो नॉमिनल जीडीपी, यू कैन से नॉमिनल जीडीपी 2011 का कितना है 200 ही है, जो बेस ईयर होता है उसका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सेम होता है, याद रखना 2011 का नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमेशा सेम होता है, इसका हो गया 250 और इसका कितना हो गया 26 × 20 करो, ये हो गया आपका 520। तो एक बात सुनो ध्यान से, अभी तो रियल जीडीपी कह रहे हैं 2011 और 2020
20 का हमारा जीडीपी सेम है और यहाँ नॉर्मल जीडीपी कह रहा है नहीं नहीं 2020 का तो जीडीपी बढ़ गया। ये रियलिटी में दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये जो हमारा कैलकुलेशन है ये रॉन्ग है, क्योंकि इन रियलिटी हम हमेशा गुड्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स के ऊपर फोकस करते हैं जब भी हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो गलत बात है, वो तो एक नेचुरल फैक्टर है, वो तो होगा ही क्योंकि इन्फ्लेशन है। ये देखो ना 20 से पहले हमने ज़ूम किया कि भैया बेस ईयर में प्राइस कितना है 20, और अब दो पहले हमने बेस ईयर में प्राइस किया 20, उसके बाद 2020 में प्राइस हो गया, 2011 में प्राइस है 20, 2020 में प्राइस हो गया 25। तो यार ये 5 रुपए का गैप क्या है, यही तो इन्फ्लेशन है कि हाँ भाई 10 साल बाद चीज महंगी हो गई 25, उसकी वजह से फर्क आया है जीडीपी में, क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुई। इसलिए हम साफ बोल सकते हैं नॉमिनल जीडीपी इतना रियल इफेक्टिव मेथड है ही नहीं। रियल इफेक्टिव तो ये चीज है, ये दोनों चीज है रियल इफेक्टिव, ये दोनों फिगर्स बोल रही है कि हाँ इनका तो जीडीपी ग्रो हुआ ही नहीं, बट नॉमिनल जीडीपी तो इसका उल्टा बोल रही है, सर इसका जीडीपी 200 था अब इसका जीडीपी बढ़ गया, इसका जीडीपी बढ़ गया। तो भाई नॉमिनल अलग बोल रही है, रियल अलग बोल रही है। जो ट्रू है, जो रिलायबल सोर्स है वो है रियल, जो ट्रू और रिलायबल सोर्स है वो है रियल। अब देखो अगर तुम 2011 के रियल जीडीपी को कंपेयर करो रियल जीडीपी ऑफ व्हाट 2021, तो हम बोल सकते हैं 200 से बढ़ रहा है, बट भैया नॉमिनल तो कह रहा है, नॉमिनल कितना कह रहा है 320 से बढ़ रहा है, तो क्या रियलिटी है? अरे भैया रियल जीडीपी रियलिटी है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखा दिया कि भैया ऐसा होता है, अगर ये डिफरेंस आता तो ये गलत डिफरेंस है। हमें तो क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है उसके ऊपर डिपेंड है सर, अगर क्वांटिटी 10 से 10 हो रही है नो चेंज, प्राइस में भले ही चेंज हो जाए पर 10 से 10 का तो नो चेंज है ना। सिमिलरली अगर क्वांटिटी 20 है तो नो चेंज, समझ रहे हो, अगर क्वांटिटी 20 है तो चेंज हो रहा है 10 क्वांटिटी, उसका इफेक्ट अच्छा अच्छी बात है, हमारा जीडीपी ग्रो हो रहा है। बट अगर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही तो भैया रियल जीडीपी लेना हमेशा, क्वांटिटी चेंज हो रही हो ना हो रही हो, प्राइस चेंज हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप हमेशा रियल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर मानेंगे जीडीपी कैलकुलेशन की तरफ, राइट। आई एम श्योर ये पूरा एग्जांपल खत्म हो गया होगा, समझ आ गया होगा, मजे आगे बढ़ गए। अब एक फॉर्मूला दे रखा है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल, इजी है, नॉमिनल टू रियल, नॉमिनल जीडीपी, इसका यार फॉर्मूला लिख लो आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बता रखा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस डिवाइड बाय करंट प्राइस इन इंडिया इनटू 100, करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इन इंडिया, करंट प्राइस इन इंडिया ब्रैकेट में लिख देता हूं इंडिया इनटू 100। रियल जीडीपी इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस का मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे टर्म्स में, जल्दी बताओ, इसको हम दूसरे टर्म्स में बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइसेस इनटू 100 हमारा रियल जीडीपी आता है। आई एम श्योर ये बात क्लियर हो गई होगी। एडवांटेजेस ऑफ रियल जीडीपी आप खुद पढ़ लोगे, हमने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, राइट। ये एडवांटेजेस आपको खुद पढ़ने, ये इजी एग्जांपल्स है, मैंने आपको इतने डिटेल में समझा दिया कि आपको पंगा नहीं होना चाहिए, हमारा कर्सर हमेशा खो जाता है ये रहा। अब दो चार बातें और कर लेते हैं फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, दो चार बातें और हैं खत्म हो जाएगा। एक तो होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का भी फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉर्मल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, लिख लो डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको काम आने वाले हैं, आपके न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, अपॉन नॉर्मल जीडीपी इनटू 100। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी डिफ्लेट कितना हो रहा है, डिफ्लेट का मतलब मैं ऐसे जाया जा रहा हूं सीधे लाइन में, मैं देखो तुम ऐसे देख रहे हो ना, मैं ऐसे सीधे लाइन में जाया जा रहा हूं और मैं गलती से ऐसे मुड़ जाऊं रास्ते में, तो ये मैं क्या हो रहा हूं, मैं डिफ्लेट हो गया, अपने गोल से डिफ्लेट हो गया हूं, इसको बोलते हैं डिफ्लेटर की कितना मूव हो गया है। नॉमिनल और रियल जीडीपी में इन शॉर्ट फर्क कितना है उसको परसेंटेज में अगर कर दोगे तो जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है। इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइस लेवल, बताया ना एवरेज चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कॉन्स्टिट्यूट जीडीपी, जितने भी आपके एवरेज चेंज होता है प्राइस लेवल पे ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कॉन्स्टिट्यूट जीडीपी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी की कैलकुलेशन में एड होंगी उसमें एवरेज प्राइस लेवल पे चेंज क्या आ रहा है उसको कैलकुलेट करता है जीडीपी की डिफ्लेटर। इसको आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया और आपके पास 100% कुछ ना कुछ आ सकता है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। क्या है हमारा फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100।
100, ठीक है जी। चलो, हाउ फार इट इज करेक्ट टू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और गारंटीड इसके 3 पॉइंट्स तो मिनिमम हमको लिख के आना ही है। हमारे नोट्स में इसके 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी डिफ्लेटर के बाद हमने ये क्वेश्चन उठाया है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद फॉर्मुला शीट से उसको मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा आपको। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करे हैं तो प्लीज कर लो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, हाउ फार इज इट करेक्ट, वही क्वेश्चन, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को लेके क्वेश्चन आया हुआ है। हाउ फार वी कैन से दैट इंक्रीज इन जीडीपी इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी वेलफेयर, क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा ईयर बाय ईयर जीडीपी चेंज हो रहा है, इन शॉर्ट बढ़ रहा है, अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि वेलफेयर हो रहा है पब्लिक का, या जीडीपी वेलफेयर, जीडीपी वेलफेयर का मतलब यह है जैसे हमारी कंट्री का जीडीपी ग्रो होगा, अगर सोचा जाए, ध्यान से समझा जाए, तो यस, हमारी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, उनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा आ रही है, उनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है टू चूज फ्रॉम, जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूएशन होगा उतना समझ आएगा हाँ यार कंट्री कितनी रिच है, तो जीडीपी बढ़ना अच्छी बात होती है। तो ये बोल रखे क्या जीडीपी बढ़ना इज अ नेसेसरी थिंग, या इट नेसेसरली लीड्स टू, लीड्स टू व्हाट, जीडीपी वेलफेयर, कि जीडीपी वेलफेयर भी हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है, हमें पता है यस, ईयर बाय ईयर हमारा जीडीपी बढ़ता जा रहा है, बट इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं जीडीपी वेलफेयर भी हो रहा है। जीडीपी वेलफेयर के 2-3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अच्छे से कमा रही है, पॉपुलेशन के पास वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, जीडीपी वेलफेयर को अगर तुमने, जीडीपी वेलफेयर को अगर तुमने रियलिटी में वो करना है ना, क्वांटिफाई करना है, तो उसके 2-3 टर्म्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास मोर गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, सबसे पहला तो यही है भैया, क्योंकि तुमने नॉमिनल और रियल जीडीपी में समझ लिया, जरूरी नहीं है कि गुड्स बढ़े तभी जीडीपी बढ़ सकता है, मार्केट प्राइस पे अगर वैल्यूएशन करोगे तो जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये तुम बढ़ चुके हो। क्या हमारे पास मोर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, जीडीपी वेलफेयर का मतलब ये है। सिमिलरली इक्वालिटी इन इनकम हो रही है, इक्वालिटी इन इनकम हो रही है। सिमिलरली क्या मेरे पास मोर गुड्स एंड सर्विसेज चूज करने के में ठीक है, इक्वालिटी है, ठीक है, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर या ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, परचेजिंग पावर इंक्रीजिंग और नॉट, तो इसका पूरा पूरा एनालिसिस हम करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ क्या इन सब फैक्टर्स को लीड करता है, समझते हैं। देखो आंसर है नहीं, इट इज नॉट करेक्ट, पहले ही आंसर दे देते हैं फिर तो बाद की बात में करेंगे। It is not correct to say that rise in GDP is always considered as a concept of welfare, public welfare, society welfare, GDP welfare, कुछ भी लिख सकते हो या normal welfare भी लिख सकते हो। It can be proved with the help of the following points. अब वो points कौन-कौन से हैं? अब हमने justification दे रखा है। देखो हमें answer मिल गया। No, it is not correct to say कि GDP बढ़ेगा तो welfare भी बढ़ेगा। It is not correct to say. 5 मिनट का answer है, जल्दी सुनो। और उसके points तुम्हें देने हैं। Points सुनो। First is distribution of GDP. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ये बोलता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर रही हो, जैसे उस दिन मैं देख रहा था पाब्लो एस्कोबार, नार्कोस करके एक बहुत बड़ी सीरीज है, वो ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर है कि हमारे ड्रग्स कैसे ट्रैफिक होते थे, कोलंबिया से यूएसए में कैसे जाते थे, बहुत ही बढ़िया सीरीज है, आपको देखना चाहिए। उसमें है तो सारा मियामी में, और इसमें ड्रग्स कैसे सर्कुलेट होते थे, कोका कोला में ड्रग्स डाले जाते थे, आइसक्रीम में ड्रग्स डाले जाते थे, वो सारा का बहुत ही बढ़िया एक बार सीरीज है, नार्कोस जरूर देखना अगर टाइम मिलेगा तो, बोर्ड्स के बाद देखना, मेरे कहने का मतलब ये है। वहां पे बता रखा था, या इंडिया में भी ऐसा कई बार बोलते हैं, 90% ऑफ द इनकम इज अर्नड बाय 10% ऑफ द पीपल, तो यार ये तो इनइक्वालिटी होगी ना। अगर इनइक्वालिटी इनकम होगी, इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम होगी, इसका मतलब ये है जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट यार जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, और लिमिटेड लोगों के पास है मतलब सबका विकास नहीं हो रहा, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने बोला है सबका विकास नहीं हो रहा, सबका विकास नहीं होगा तो हमारा वेलफेयर भी नहीं होगा। इसका आंसर सीधा की सीधा ये है, ये थ्योरी आप खुद पढ़ लेना। देखो इसमें लिख रखा है, सपोज
100 इंडिविजुअल्स आर अर्निंग 10, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इसमें बोल रखा है सपोज 100 इंडिविजुअल्स आर अर्निंग 10, तो टोटल कितना हुआ 1000, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज 100 इंडिविजुअल्स आर अर्निंग 10 इन अ पर्टिकुलर, इसमें आपको ये वाला एग्जांपल लिख के आना है, ये पूरे का पूरा मीनिंग वही है जो मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ वेरी फ्यू हैंड्स, मतलब सबका विकास नहीं होने वाला। सपोज 100 इंडिविजुअल्स आर अर्निंग 10 इन अ पर्टिकुलर ईयर, देन द जीडीपी वाज 1000, क्या ये बात समझ आई? इनकम मेथड से हमने निकाल लिया 1000 है, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। बट बाय द नेक्स्ट ईयर इनकम ऑफ 90 फेल टू 9, मतलब 90 लोगों की इनकम होगी 9 और प्लस 10 बंदों की हो गई 20, तो यार देखो ना 90 लोगों की इनकम 9 हो गई, एक से गिर गई तो कितना हुआ 8 1 10 प्लस, और सिर्फ 10 लोगों की 10 से 20 हो गई तो कितना हुआ 200। अब देखो रियलिस्टिकली तो हमारा जीडीपी इनकम मेथड से जीडीपी 10 बढ़ गया, 1010 यहाँ है और 1000 यहाँ है, रियलिस्टिकली तो बढ़ गया, बट क्या ये रियलिटी में ग्रोथ है भैया? 90 लोगों की तो तुमने घाटा कर दिया, 10 लोगों का 20 से बढ़ा दिया, भैया ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है, ये वेलफेयर जेन्युइन वेलफेयर नहीं है, राइट? समझ आई बात? ठीक है जी, अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये सारा का सारा आप तुम ये वही सारा का सारा बता रखा है। नेक्स्ट आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, वही मैं बता रहा हूँ, GDP is a money value of goods and services produced during a period. GDP is mainly due to rise in war material. अगर हम ऐसे goods को GDP में include कर रहे हैं जैसे war material, unnecessary goods. Class 11 में अगर micro eco पढ़ के आया ना तो तुम्हें समझ आएगा, मेरे time में तो micro eco class 12 में थी, तुम्हें समझ आएगा, अरे या तो guns बना लो या बना लो bun, या sorry butter. Guns और butter में हम PPC पढ़ते थे, production possibility curve, याद आ रहा है कुछ? कि भैया एक कंट्री या तो अपनी वॉर को तैयार कर ले या अपने लोगों को खाना खिला दे, इतने ज्यादा रिसोर्सेज किसी के पास नहीं है, तो ये वही बोल रहा है। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी नेगेटिव मटेरियल या नेगेटिव गुड्स से कॉम्प्राइज करेगा जैसे वॉर मटेरियल, अरे वॉर मटेरियल का मैं क्या करूं, मैं खाऊंगा क्या, उस पर स्पेंड नहीं हो रहा, जीडीपी का जो प्रपोर्शन है, जीडीपी आ कहां से रहा है, वो वॉर मटेरियल से आ रहा है, अननेसेसरी लग्जरी से आ रहा है, बहुत कम लोगों को केटर कर रहा है जो गुड्स उससे आ रहा है, तो यार मास पॉपुलेशन का क्या होगा? इस केस में यार कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी उन प्रोडक्ट्स से आना चाहिए जो सबका बेनिफिट कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर फ्यू पर्पसेस, जैसे फ्यू पर्पसेस जैसे वॉर मटेरियल, हाँ हमें अपने देश को बचाना है, अरे देश की पॉपुलेशन के पास खाने को कुछ नहीं, तू देश को कैसे बचा लेगा? नहीं हम तो वॉर करेंगे, वॉर करने से क्या होता है, रिसोर्सेस सारे के सारे वॉर में चले जाते हैं, भैया खाएगा क्या आदमी, फैक्ट्रियों में बनेगा क्या, फैक्ट्रियों में तो गन्स बन रही है, क्लोथ कैसे बनेंगे? तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी आपका ऑप्टिमल होना चाहिए, इंसान की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो नेशन की नीड है, नेशन की पॉपुलेशन की नीड है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट? फिर नो मॉनेटरी एक्सचेंजेस, अब हमारी कंट्री में बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो नॉन मॉनेटरी नेचर है, मतलब उनका वो इनका उनको तुम बोल सकते हो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, क्यों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मनी में मेजर नहीं किया जा रहा है, जब मनी में मेजर नहीं किया जा रहा तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम में वो ऐड नहीं हो रहे, तो देर आर मेनी एक्सचेंजेस, देर आर मेनी ट्रांजैक्शन दैट आर हैपनिंग व्हिच आर ऑन बार्टर एक्सचेंज, ऐसा बोल रखा है, ऐसा होता है बहुत बार कि बार्टर एक्सचेंज की वजह से हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन तो इंक्लूड ही नहीं करी जा रही, तो जीडीपी रियलिटी में बढ़ रहा होगा बट क्या रियलिटी में ग्रोथ हो रही है हमें जानना काफी मुश्किल है। सिमिलरली ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बहुत बढ़िया, इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारा का सारा आप पढ़ लेना आपको बिल्कुल समझ आएगा जो मैं हिंदी में बता रहा हूं, बस इन्होंने प्यार से फ्रेम कर रखा है, ये सारा आपके लिए बना रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इफ द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, बहुत बढ़िया, जो कि हमेशा होता है इंडिया में, तो यही है भाई साहब, ग्रोथ रेट इंडिया और चाइना दोनों में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, भले ही हमारी जीडीपी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है बट हमारी पॉपुलेशन भी उसी स्पीड में ग्रो कर रही है, देन पर कैपिटा जीडीपी वुड बिकम लोअर, इन अदर वर्ड्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन, इन सच अ केस आल्सो मियर राइज इन जीडीपी कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सर हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, जब भैया पॉपुलेशन बढ़ती है ना और गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, पर ऐसा हो सकता है पहले तो मेरे को एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, पहले तो मेरे को एज एन इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री मेरे को दो बॉटल्स कंज्यूम कर लेता था, बट अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है और सबको खाना देना है, सबको बॉटल्स देनी है, सबको वाटर बॉटल्स देनी है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही आ रही है, अब कहने को तो मेरी जीडीपी प्रोडक्शन ऑफ वाटर बॉटल्स बढ़ गया, हमारे एग्जांपल में क्या बोला था, वाटर बॉटल्स इज द ओनली गुड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ वाटर बॉटल्स इतना बढ़ गया, पर यार मेरे को तो पर बंदा जो कंजम्पशन है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री वो तो कम हो रही है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा
पर कैपिटा जीडीपी तो कम हो रहा है, पर कैपिटा किसको कंज्यूम करने को मिल रहा है, पर इंसान कितना कोई कंज्यूम कर रहा है वो तो कम हो गया है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जीडीपी की ग्रोथ से बहुत ज्यादा है। तो भले ही जीडीपी ग्रो कर रहा है पर क्या हम ग्रो कर रहे हैं? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, पब्लिक वेलफेयर नहीं हो रहा। और लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज। तो हमने भाई साहब 5 पॉइंट पढ़ लिए, तुम्हें याद हो जाने चाहिए 5 ही 5 पॉइंट। एक्सटर्नलिटीज मतलब इन द प्रोडक्शन प्रोसेस सम बेनिफिट्स आर सम बेनिफिट्स एंड हार्म्स। एक्सटर्नलिटीज मतलब ये है, अगर तुमने जीडीपी तो बढ़ा दी दबा के और गुड्स एंड सर्विसेज दबा के प्रोड्यूस कर दिया, भैया मजा आ गया, इस साल तो 20 गुना बॉर्डर प्रोड्यूस हुई है, पता लगा तुमने जहां फैक्ट्री खोली है उसके आसपास तो लोग मर रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। जहां भी कोई फैक्ट्री खुलती है उसके आसपास कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है, बेनिफिशियल इफेक्ट भी हो सकता है। बेनिफिट क्या है भैया? फैक्ट्री खुलेगी तो आसपास थोड़े लाइफ आएगी, लाइफ मतलब थोड़ी पान के खोखे खुलेंगे, दारू की शॉप खुलेगी, फिर ढाबा भी खुल सकता है, आसपास लोग ट्रांजैक्शन करना शुरू करेंगे। तो क्या है एक्सटर्नलिटीज? एक्सटर्नलिटीज का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बढ़ रही है, इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रहा है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। बट एक हार्मफुल इफेक्ट भी है भैया, स्मोक आएगा, लोग मर सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, फिर मरने के चांसेस ज्यादा है, और जान से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है ना। तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब ये है तुम कितना ही अच्छा प्रोडक्शन कर लो बट जब तुम एनवायरमेंट और पब्लिक आसपास की पब्लिक को 360 डिग्री अप्रेजल बोलते हैं इसको, 360 डिग्री ग्रोथ, 360 ग्रोथ लेके नहीं चले ना, 360 डिग्री ग्रोथ मतलब अपने आसपास देखो कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव वे में अफेक्ट हो रहे हैं बहुत बढ़िया अच्छी बात है, बट हार्मफुल वे में अफेक्ट हो रहे हैं तो भैया जीडीपी तुम कितनी बढ़ा लो वो ओवरऑल ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। आई एम श्योर तुम्हें बात समझ आ गई होगी, ये वाला टॉपिक बिल्कुल खत्म है। ऑल द वेरी बेस्ट, राइट? अब मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूं, हमारा चैप्टर बधाई हो यही खत्म होता है। यस, हमने फाइनली 8 पार्ट्स के अंदर नेशनल इनकम खत्म कर दिया है। आप सब मेरे साथ रहे तभी ये पॉसिबल हो पाया, 4 दिन के अंदर अंदर किया भाई साहब, आप सबका इतना बूस्ट मिल रहा है ना मेरे को, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। अब मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट क्या है? अरे गिफ्ट कुछ नहीं, नोट्स के अंदर ही लिख रखा है, इसको बोल सकते हो तुम फॉर्मूला शीट। भैया सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स जब करेंगे अब आप ये बोल सकते हो न्यूमेरिकल्स कहाँ है, इसके न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला दे दिए, न्यूमेरिकल्स के अलग सेशन होंगे, 2 से 3 लाइव सेशन में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा देंगे, इजी है वो तो यार, किसी बुक से उठा के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे चिपका दूंगा, तुम्हें कहूंगा भैया सॉल्व करना शुरू करो, तुम्हारे सामने सॉल्व कर देंगे, 4-5 दिन 4-5 लाइव क्लास में तुम्हारा ए टू जेड हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। 1-1 घंटे के लाइव सेशन लेंगे, 3 से 4 क्लास में खत्म कर देंगे। आपका बोर्ड्स आने में अभी 3 महीने 4 महीने जितने भी बाकी है, घबराओ मत, हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स इसी चैनल पे हो रहे होंगे, पास्ट 10 ईयर्स इसी चैनल पे हम सॉल्व कर रहे होंगे, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। रिकंसिलिएशन ऑफ 3 मेथड्स फॉर्मूला शीट नोट कर लो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत डिटेल में वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रखा है, जो हमने डिटेल में पढ़ा था थ्योरी में उसको बस एक चार्ट के फॉर्म में बता रखा है कि भाई हाँ तुम्हें मजा आ जाए, राइट? ये याद रखना, इसका जब भी जीवी ऐड करते हैं तो क्या आता है, जीडीपी एंड एमपी। सिमिलरली इसका जब सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम करता है, याद है एक्सपेंडिचर मेथड सबसे लेटेस्ट हमने यही पढ़ा है, तब भी क्या आता है, जीडीपी एंड एमपी। देखो जी आ गया जीडीपी एंड एमपी, इन दोनों केसेस में जीडीपी एंड एमपी आता है, बट इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, ये जब ऐड करते हैं तो आता है एनडीपी एंड एफसी। बस एक ये डिफरेंस है, अगर कुछ भी निकल गया ना तुम्हारा, जीडीपी एंड एमपी निकल गया, एनडीपी एंड एफसी निकल गया, जीडीपी एंड एमपी कुछ भी निकल गया, उसके बाद तो तुम डेप्रिसिएशन माइनस प्लस, फिर एनएफआईए माइनस प्लस, एनआईटी माइनस प्लस करके एनएनपी एंड एफसी। एट द एंड ऑफ द डे नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एंड एफसी, एनएनपी एंड एफसी। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? एनडीपी एंड एफसी। डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एंड एफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एंड एफसी, और डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एंड एफसी। बहुत इजी है, तुम्हें समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा, राइट? ये फॉर्मूला शीट हम दोबारा डिस्प्ले करेंगे जब तुम्हारे न्यूमेरिकल्स का हम पूरा का पूरा रिविजन ले रहे होंगे, राइट? चलो जी, ये दोबारा सारे के सारे फॉर्मुलास एट ग्लांस है, तुम एक बार पढ़ लेना, ये सारे के सारे फॉर्मुलास दे रखे हैं तुम्हारी बेनिफिट के लिए, प्लीज एक बार इनको देख लेना। ये सारी के सारी फॉर्मुला शीट है, ये 4 पेजेस की फॉर्मुला शीट है, एक तो वो टेबल है ये देख लो, एक है ये टेबल, दूसरा हो गया ये इवैल्यूएट मेथड, इनकम मेथड, सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारे के सारे लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे आपको मिल जाएंगे, 3 पेजेस है टोटल। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत अच्छा लगा और जल्दी मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपके पास ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको ये सारे के सारे जितने हम करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आपके पास लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस। अब भैया हमने इसके 8 पार्ट्स करा लिए हैं, 8 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, A to Z पार्ट्स आपके नेशनल इनकम के वहां पे आपको मिलने वाले हैं। सॉरी, बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12th आपको वहां मिल जाएंगे,
सारी की सारी क्लासेस नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल रही होंगी। लाइव क्विजेस लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इनफैक्ट पेड क्विजेस भी है, 18-20 क्विजेस है उसमें, बहुत ही प्यारे हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट है, आप जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और प्लीज टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, वहां पे ए टू जेड क्लासेस नोटिफिकेशन आपके पास आ रही होंगी, मजा आ जाएगा, कोई भी क्लास लीव नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, जो आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन जो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको भी हम 4 से 5 क्लास में खत्म कर देंगे भैया, 4 to 5 क्लास मैक्सिमम खत्म कर देंगे। देखते हैं कितना बड़ा चैप्टर है, वो भी काफी लंबा चैप्टर है, उसमें डेरिवेशन है, ADS, फिर डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, उसमें भी आपका यार काफी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, कोई बात नहीं कर लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहो, जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे, और सेशन को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, बाय बाय।